तो यार पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि माइकल आयरन मैन का सूट पहनकर फ्रैंकलिन के ऊपर प्रैंक करने आता है, लेकिन यार फ्रैंकलिन घर पे नहीं होता है तो वो उसकी सारी गाड़ियां जला देता है। लेकिन यार जब फ्रैंकलिन अपने घर आता है और वो अपनी सारी गाड़ियां जली हुई देखता है तो भाई वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और जब उसे पता चलता है कि माइकल ने ये सब काम प्रैंक करने के लिए किया था तो भाई वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यार इसके बाद फ्रैंकलिन गुस्से में थॉर की पावर से उड़ते हुए सीधे माइकल के घर आता है और भाई वो आते आते ही सीधे माइकल की कारों को तोड़ना शुरू कर देता है कि तभी वहाँ पे माइकल आ जाता है। पर भाई आज फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो माइकल को भी एक हथौड़ा मार देता है क्योंकि यार फ्रैंकलिन की वो दोनों फेवरेट कार थी और माइकल ने प्रैंक के चक्कर में वो दोनों कार जला दिया। और भाई माइकल को जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि फ्रैंकलिन से प्रैंक करना इतना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो यार अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या इसके बाद माइकल किसी के ऊपर प्रैंक करेगा या फिर नहीं।